सोयाबीन और कपास किसानों के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने बुधवार से नागपुर के संविधान चौक पर अन्य त्याग आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा मांगे मान्य नहीं की जाती। आंदोलन के समर्थन में गुरुवार से ग्रामीण भागों में विविध आयोजन किए जाएंगे। स्वाभिमानी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने बताया कि केंद्र सरकार ने उस वक्त सोयाबीन पेंट की आयात को अनुमति दी जब किसानों को 10,000 रुपए का भाव मिल रहा है, साथ ही कपास किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। दरअसल केंद्र सरकार पोल्ट्री और दक्षिण भारत की कपड़ा लॉबी के दबाव में ये कृत्य कर रही है। सरकार ने खाद्य तेल पर आयात शुल्क कम किया गया, इतना ही नहीं संग्रहण सीमा भी तय कर दी गई। इस वजह से बाजार में सोयाबीन की कीमत हो गई। धान की भी यही स्थिति है। संगठन की ओर से केंद्र सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप कर सोयाबीन की दर 8,000 रुपये, कपास की दर 12,000 रुपये से कम नहीं होने तथा धान को 1,000 रुपये बोनस घोषित करने की मांग की गई है। राज्य सरकार ने भी किसानों को उनके हालत पर छोड़ दिया है। तमाम तरह के संकटों की वजह से किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आंदोलन के समर्थार्थ 18 नवंबर को गांवों में प्रभात फेरी, 19 को चक्का जाम और 20 नवंबर को गांव स्तर पर सभी व्यवहार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आज सकाळपासून संविधान चौकात आम्ही 8 वाजेपासून अन्नत्याग सत्याग्रही स्वतः चालू केलेला आहे। सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकरी सध्या आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभा आहे। 11,000ची सोयाबीन 4,000वर आलेली आहे आणि अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात आमचं सोयाबीन कापसाचं धानाचं नुकसान झालेलं आहे। सोयाबीनचे भाव 8,000 स्थिर करा, खुल्या बाजारात 12,000 रुपये क्विंटलच्या खाली कापूस येऊ देऊ नका आणि धानाला प्रति क्विंटल 1,000 रुपये बोनस द्या, अशा पद्धतीची मागणी आम्ही करतो आहे। कारण यावर्षी उत्पादन खर्च 25,000 रुपये एका एकराचा आहे सोयाबीनचा आणि आम्हाला उत्पन्न होते 16,000 रुपयाचं, 4 क्विंटल होते, म्हणजे लावले 25 आणि आणतोय 16, आम्ही एकराला 9,000 लॉसमध्ये आहे। अशा परिस्थितीमध्ये DOC आयात केली आपल्या देशामध्ये कारण नसताना, पामतेल खाद्यतेलावरचं आयात शुल्क कमी केलं, स्टॉक लिमिट लावली तेलबिया आणि खाद्यतेलाला आणि 5% GST लावला सोयाबीनला, त्याच्यामुळे सोयाबीनचे रेट पडलेले आहेत। ते रेट स्थिर करा। दुसऱ्या बाजूला नुकसान भरपाई आम्हाला मिळाली नाही, राज्यानं तोकडी दिली ती पूर्णपणे अजूनही मिळालेली नाही, केंद्रानं तर गुजरातला दिली पण आम्हाला महाराष्ट्राला काही दिली नाही आणि पीक विमा कंपन्यांनी आम्हाला फसवलेलं आहे, त्यांच्यावर कारवाई करा, त्यांना ब्लॅकलिस्टेड करा आणि पीक विमा आम्हाला 100% मिळून द्या। रब्बी हंगामात आमच्या शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन कापू नका, या मागण्यांसाठी हा सत्याग्रह सुरू आहे। कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मी अन्नाचा कणसुद्धा खाणार नाही जोपर्यंत सोयाबीन कापूस आणि धान उत्पादकांना न्याय मिळणार नाही, ही आमची भूमिका ठरलेली आहे। उद्या 18 तारखेपासून संपूर्ण विदर्भ मराठवाड्यातला शेतकरी तुम्हाला रस्त्यावर दिसेल।